एवरीवन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गेट 1996 का. देखिए जरा आपकी स्क्रीन पे शो रहा है. इन द सीरीज आरसी सर्किट, हमेशा क्वेश्चन को धीरे पढ़ने की आदत डालिए, है ना, बहुत काम आएगा. एक एक चीज को निकालिए, कहीं टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका. मैं कह रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी, बहुत टाइम मिलेगा आपको पेपर के अंदर. सो इन द सीरीज आरसी सर्किट शोन इन द फिगर द वोल्टेज अक्रॉस सी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. ठीक है, तो ये कह रहा है, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार रीड कर देते हैं. तो इन द सीरीज आरसी सर्किट शोन इन द फिगर द वोल्टेज अक्रॉस द सी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग व्हेन द डीसी सोर्स इज स्विच्ड ऑन. ठीक है, व्हेन द डीसी सोर्स इज स्विच्ड ऑन द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द वोल्टेज, द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर सी एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड एट टी इज इक्वल टू जीरो विल बी. ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हमको जो सर पढ़ाते थे कोचिंग में, केशव सर बहुत ही फेवरेट टीचर है मेरे, वो ये बताते थे, वो इस क्वेश्चन को अपना कहते थे कि बोले मेवाड़ी क्वेश्चन है ये. ठीक है, ऐसा कोई कंसर्न नहीं है. मेवाड़ी क्वेश्चन क्यों कहते थे इसे वो, क्योंकि वो मेवाड़ से थे, उनको बहुत शौक था कि अच्छे कंसेप्ट, जो भी अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे उनको खुद गर्म देते थे वो. ठीक है, तो मेवाड़ी क्वेश्चन है क्योंकि, तो मेवाड़ी तो नहीं, उनने एक और नाम दिया था, मेवाड़ी कहते थे पहले, लेकिन हाँ उन्होंने एक और नाम दिया था इस क्वेश्चन को, कहते थे प्योर एसी, प्योर एसी, प्योर ट्रांजिएंट, नॉट प्योर एसी, प्योर ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है. ऐसे खुद का कंसेप्ट बनाया था तो समझने में इजी रहता है कि हाँ भाई प्योर ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है. तो कौन से क्वेश्चंस को प्योर ट्रांजिएंट का क्वेश्चन कहते हैं, जिस क्वेश्चन में आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कुछ वैल्यू पूछी है. जैसे एक तो प्योर इक्वेशन पूछी है आपसे, आपने आर सी सर्किट है उसमें स्विच क्लोज किया, उसके बाद उसमें वो इक्वेशन पूछ रहा है कि भाई बताइए टी ग्रेटर देन जीरो पे कितनी इक्वेशन है. लेकिन इसमें फोकस करिए क्वेश्चन में कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, जिस इंस्टेंट पे या कोई भी और इंस्टेंट, तो जिस इंस्टेंट पे स्विच क्लोज हुआ है उसी इंस्टेंट पे ये बातें कर रहा है सारी, कि इस इंस्टेंट पे मुझे ये बताइए, इस इंस्टेंट पे स्विच क्लोज हुआ है तो इस इंस्टेंट पे मुझे ये बताइए. तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस सर्किट के अंदर जब स्विच को क्लोज किया गया है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बतानी है उसी इंस्टेंट पे. क्लियर है, तो ऐसा तो इसमें प्योर एसी का तो कुछ काम नहीं है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, वोल्टेज की इक्वेशन निकालनी है उस कैपेसिटर के अक्रॉस, उस वोल्टेज की इक्वेशन की रेट ऑफ चेंज निकालनी है और उसको टी इज इक्वल टू जीरो पे फाइंड करना है. तो रेट ऑफ चेंज क्या होगी, डीवी बाय डीटी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. ठीक है ना, तो डीवी बाय डीटी और उसके अंदर आप टी को जीरो पुट कर देंगे तो वो उसकी रेट ऑफ चेंज आ जाएगी उसी टी इज इक्वल टू जीरो इंस्टेंट पे. क्लियर है, तो बहुत बेसिक सर्किट है, फटाफट बनाइए खुद. मैं जब भी बोलता हूँ ये सारी बातें करता हूँ तो खुद आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करेगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं. ठीक है, सो ये आपका 1 वोल्ट की एक डीसी सोर्स है, डीसी बैटरी, और यहाँ पे एक रेजिस्टर दे रखा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर दे रखा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोलैरिटी, पोलैरिटीज बहुत जरूरी होती है क्वेश्चन में स्पेसिफाई करना, नहीं तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि किस पोलैरिटी में, किस पोलैरिटी उसने कैपेसिटर के अक्रॉस दे रखी है. तो बाय डिफॉल्ट कुछ गिवन नहीं है, तब तो आपको खुद से अज्यूम करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन में आदत पड़ जाएगी कि भाई ये भी जो भी इसकी पोलैरिटी होती है उसी की पोलैरिटी में आप सारी चीज़ें अज्यूम करते हो. ठीक है ना, प्लस माइनस, लेकिन हाँ जब गिवन है तो जरूरी अच्छे, एक अच्छा क्वेश्चन के अंदर जरूर गिवन होगी आपको दोनों बातें. क्लियर, और इस टी इज इक्वल टू जीरो पे इस स्विच को क्लोज किया गया है. ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है. चलो स्टार्ट करते हैं. तो नॉर्मल कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, डीसी ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है. मैं आपको, मैंने पहले मेरे पहले वीडियोस लेक्चर में बताया कि डीसी ट्रांजिएंट क्यों बोल रहा हूँ उसे मैं, क्योंकि डीसी सोर्स है और एक स्विच है तो डीसी ट्रांजिएंट हो गया है. ठीक है ना, हमेशा दो चीज़ें देखनी है कभी भी नेटवर्क का क्वेश्चन आए, एक तो आपको स्विच देखना है और आपको एक सोर्स देखना है. सोर्स कौन सा होना चाहिए, सोर्स या तो एसी है तो एसी ट्रांजिएंट का क्वेश्चन हो जाएगा, अगर डीसी है तो डीसी ट्रांजिएंट का क्वेश्चन होगा, स्विच है ही नहीं तो ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है ही नहीं, वो आपका किस चीज़ का क्वेश्चन है, वो स्टडी स्टेट का क्वेश्चन है. क्लियर है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है वो, कि इसको मैंने जीरो पे क्लोज कर दिया, जस्ट उसके बाद मेरे को उसी इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे क्लोज किया उस टाइम इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो मेरे को मतलब ही नहीं है, मैं तो क्या करता हूँ नॉर्मल इसमें ट्रांजिएंट की इक्वेशन लगाता हूँ. तो वीसीटी क्या इक्वेशन बोलती है ट्रांजिएंट की, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ड्यूरिंग ट्रांजिएंट पीरियड इज नथिंग बट वीसीटी इज इक्वल टू वीसी इन्फिनिटी प्लस वीसी जीरो माइनस वीसी इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ. बहुत बेसिक इक्वेशन है. ठीक है, तो यहाँ से कैपेसिटर के अंदर कुछ चार्ज बोला गया क्वेश्चन में, इनिशियली कैपेसिटर डिस्चार्ज, तो इनिशियली वीसी जीरो के लिए कितनी हो जाएगी, जीरो. नाउ अब आपको निकालना क्या है, वीसी इन्फिनिटी, दोनों में सेम चीज ही है. ठीक है, तो वीसी इन्फिनिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फाइनाइट पे, इन्फाइनाइट इस इन्फाइनाइट कोई ऐसी चीज नहीं है कि इन्फाइनाइट पे जाके आपको करना पड़ेगा, इन्फाइनाइट इज नथिंग बट स्टडी स्टेट. तो स्टडी स्टेट पे हुआ क्या होगा, ये कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज हो चुका होगा, जितना ये सप्लाई दे सकती है उससे ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता, तो कैपेसिटर कितने से चार्ज हो गया होगा,
प्लस 1 वोल्ट से चार्ज हो गया होगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे सोचिए कि यहाँ से जब करंट फ्लो होना चालू हुई तो यहाँ पे प्लस चार्ज एक्युमुलेट हुआ, यहाँ पे माइनस चार्ज एक्युमुलेट हुआ, ये चार्ज एक्युमुलेट होता गया होता गया होता गया, और एक टाइम आया जब यहाँ पे इतना चार्ज हो गया कि अब यहाँ से ये इसको पुश करना चाह रहा है चार्ज को, लेकिन ये बोल रहा है नहीं भैया मैं तो फुल हो चुका हूँ, अब मैं थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लूंगा, क्लियर है? तो उस टाइम को आप क्या कहते हो, स्टेडी स्टेट कंडीशन कहते हो या इनफाइनाइट कंडीशन कहते हो, क्लियर? तो कैसे निकालते हैं इनफिनिट कंडीशन पे, किसकी तरह बिहेव कर रहा है पर्टिकुलर इस सर्किट के लिए, फिर मैं पुराने वाली वीडियो लेक्चर में बता सकता हूँ। ओपन सर्किट का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर इनफिनिट रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट का मतलब ये है कि इस दौरान अब इसमें एक्स्ट्रा करंट फ्लो नहीं होगी, इसलिए मैं इसको मेरी सिंपलिसिटी के लिए ओपन सर्किट से रिप्लेस करता हूं। तो जब ओपन सर्किट हो गया तो इसके अंदर करंट कितनी फ्लो ना हो गई, जीरो हो गई, और यहां पे कितना आ गया VCT। अब इस VCT की वैल्यू निकालनी है मुझे, VC इन्फिनिटी बोल लेते हैं इसको, ठीक है ना, VC इन्फिनिटी। तो वो किसके बराबर दिख रहा है आपको, क्योंकि इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होती, सारा का सारा वोल्टेज इसके दिख रहा है आपको, तो VCT की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से। तो दोनों ही जगह से आपको दिख रहा है कि VCT की वैल्यू 1 वोल्ट आ गई है। बहुत आसान है यार ये, काफ़ी अब जब काफ़ी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको इतना ज़्यादा रामायण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फटाफट दिख जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ तो आप बस प्रैक्टिस करिए, ठीक है? और इस चीज़ के बारे में अपन बाद में बात करेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है? तो 1 - e^(-t/tau, इसमें 1, इसमें 1, ठीक है? तो आपकी ये इक्वेशन आ गई। नाउ टॉ क्या है, तो इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। अब मैं टाइम कांस्टेंट निकालना, आपको मैंने लेक्चर 1 में सिखाया था इसी वीडियो लेक्चर की सीरीज में कि टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, तो इसमें तो इतनी जरूरत नहीं है आपको, मतलब इसमें तो आपको इतना दिमाग लगाना नहीं है। तो टॉ इज नथिंग बट आर इक्वलेंट सी। वॉट इज आर इक्वलेंट? आर इक्वलेंट इज द थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट कैपेसिटर। तो यहाँ पे कैपेसिटर ये रहा, इसके अक्रॉस मेरे को थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है कंप्लीट सर्किट का। तो सर्किट क्या आपके पास, ये पूरा सर्किट है, ये तो क्लोज हो चुका है, तो फाइनली इसको मैं क्लोज सर्किट शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करता हूँ, ठीक है? अब मुझे इसके अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस थेवेनिन निकालना है। तो थेवेनिन निकालने के लिए क्या करूंगा, इस पहले इसको लोड की तरह ट्रीट करूंगा, तो इसको ओपन करूंगा। तो इस कैपेसिटर को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और सारे सोर्सेस को अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूंगा, सारे सोर्सेस को अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूंगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा सोर्स दिख रहा है, वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, आपको पता है, क्लियर है? तो यहाँ से ये सर्किट बचा सिंपल सा, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। कितना लिख रहा है रेजिस्टेंस आपको, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू दिख रही है आपको आर। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, आर सी। कोई दिक्कत, तो यहां से इक्वेशन को मैं और रिराइट करता हूं, तो 1 - e^(-t/rc, कोई दिक्कत, ठीक है? टाइम कांस्टेंट बता रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि भैया द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वोल्टेज बताओ। तो अब इंक्रीज डिक्रीज तो इसके मैग्नीट्यूड से पता पड़ेगा मुझे, जो भी मैग्नीट्यूड आने वाला है फाइनली, तो बस मेरे को रेट बतानी है। तो रेट किसी भी चीज की रेट क्या होगी, उसका डेरिवेटिव। अब इस केस में किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ इंक्रीज है ना, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है बस, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ टाइम है, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा उसके हिसाब से चेंज होगा। तो VCT dVCT/dt की जो वैल्यू निकालनी है मुझे एट t = 0, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो e - t/tau (1/tau), इसमें वैल्यू डालिए t = 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 1/tau। तो यहाँ से tau की वैल्यू जब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/rc, तो ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन डी मिलेगा आपको, ठीक है? चेक कर लेना एक बार।